आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम फिर से डीसी ऑफिस के बाहर हैं। जिस तरह से हमने कुछ दिनों पहले आपको दिखाया था सुदमा देव टनल जो खलेनी में निकल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। उनका ये साफ तौर पर कहना था कि हम जो हकदार लोग हैं हमें वहाँ एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, वहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा है उस सारे काम में। आज फिर से यहाँ पर आए हैं, फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे जानने की कुछ सर आपका थोड़ा सा बताएँ कहाँ कहाँ से सारे लोग आए हैं और क्यों प्रोटेस्ट है सड़कों पर आज करना पड़ा आपको? सर सबसे पहले तो थैंक यू वसीम भाई। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि हम काफ़ी टाइम से ये मतलब ये पीसफुल मार्च वगैरह निकाल रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड जो प्रॉपर तरीके से फुलफिल अभी तक नहीं हुई है। इसी वजह से हमने आज ये फिर मार्च हमें निकालना पड़ गया। मार्च में बेसिकली जो हमारे लोग हैं काशीगढ़ के हैं, देसा के हैं, बागवा के हैं, ये असर के अलग अलग पंचायतों के हैं, इन शॉर्ट ये मतलब ऑलमोस्ट टचिंग ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट हमने टच किया है। इक्के दुके लोग हर जगह से हैं। डिमांड सबकी यही है कि हमारे लोकल बच्चों को ये क्लिनिक सुदमा देव टनल में एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि हमारे बच्चे लगाएंगे लेकिन हमारे बच्चे नहीं लगते हैं, बाहर के बच्चे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात हमें बोला जाता है कि प्योरली लोकल बच्चे लगे मतलब परियोत वगैरह के, लेकिन जब हमने पता किया मतलब ग्राउंड लेवल पर तो वो बच्चे भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगे। इन शॉर्ट हमसे धोखाधड़ी की जा रही है और बाहर के बच्चों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों से परसों में बात की थी, उन्होंने बताया था कि कंपनी ने उस टाइम ये बताया था कि 60% लोगों को हम लगाएंगे, पर अभी तक कितने लोग वहां पे लगे? कितने 60% तो बड़ी दूर की बात है, 30% लोगों को भी लोग भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगे। और यही बात हमें लास्ट टाइम जब डिस्ट साहब से हमारी 12 तारीख को मीटिंग हुई थी, वहां यही एक इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है जिसमें ये बोला गया कि जो 30% जो मिनिमम तो यहां के लोग लगे हुए उनके नाम डाटा निकाला जाए। अभी आपकी बाइट से जस्ट पहले अभी तहसीलदार डोडा से मेरी यही बात हो रही थी, वो यही अभी हमको बता रहे थे कि अभी हम उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। बीच में कुछ छुट्टियां आ गई थी लेकिन हम उस प्रोसेस में लगे हुए हैं जो 30% लोकल हमने जो एम्प्लॉयमेंट दी हुई है उसका डाटा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 30% डाटा लोगों को नहीं मिलेगा। तरक्की की बात की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेशनल हाईवे के खिलाफ या जो सुदमा देव टनल है उसके खिलाफ हो रहे हैं कि हमें वहाँ एडजस्ट नहीं किया जा रहा, क्या लगता है आपको तरक्की हो पाएगी? जिस तरह से कंपनी डिस्टर्ब हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब हो रही है, हर दिन प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। सर मैं तो यही चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग जो अपने अपने मतलब के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को अगर दूर रखा जाए और कंपनी वालों से एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू प्रॉपर तरीके से बात की जाए तो पक्का डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब कुछ रास्ता निकलेगा। जैसे अभी हमें को अभी तहसील साहब ने यही बोला कि जितने भी ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे हमारा एक ग्रुप है जो फाइट कर रहा है, 2-3 ग्रुप्स और भी हैं जो फाइट कर रहे हैं, इन ग्रुप्स के कुछ 2-3 लोगों को जब बुलाया जाएगा प्रॉपर तरीके से बैठा जाएगा तो कुछ ना कुछ सजेशन कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन जब लोग ऐसे लोग जो कुछ लाकी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, वो लोग इन लोगों को डिवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से मैसेज नहीं आ पा रहा है और जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो दिन ब दिन और मतलब टेंशन में आ रहा। तो मैं 3 दिन पहले DDC जो मरमत है उनने प्रोटेस्ट यहाँ पे किया था, उनने ये बताया था कि अगर इन लोगों को एडजस्ट नहीं किया जाएगा मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। चलो वो तो उनकी अपनी जाती राय, उसमें हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते, मगर अगर वो सही जाती राय उसमें हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते, मगर अगर वो सही तरीके से अपना मतलब स्टेटमेंट देने दिल से अगर बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कुछ पॉलिटिकली वे में बात करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट उन्होंने ये तो इतनी बड़ी बात बोल दी कि अगर नहीं लगाएंगे तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे, ये भी बड़ी बात है। ऐसे इसलिए आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को भी खासकर, कि आप सब आगे फ्रंट फुट पर आएँ, क्योंकि आज चंद लोग अपने हक की बात कर रहे हैं तो बाकी लोग आप मजे ले रहे हो, आप डर रहे हो कि शायद डंडे ना पड़ जाए हमको बाद में। अब ये चाहते हैं कि जो सब्ज बाग आपको दिखाए गए थे जब कंपनी यहाँ पे आई थी या जब सर्वे की गई थी उस टाइम जो आपके साथ आपको भरोसा दिया गया था कि इस इलाके के लोग जो है एडजस्ट किए जाएंगे, मगर अभी तक उन लोगों को एडजस्ट नहीं किया गया है। सर हमारी डिमांड है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के बच्चे लगाए जाए, ना कि किसी पर्टिकुलर एरिया या बाहर के बच्चे, तो हमारी डिमांड यही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस डिमांड पर प्रॉपर तरीके से अभी ये लोग खड़े नहीं उतरेंगे। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारी 2 मीटिंग है इन लोगों से, एक तो पहले होगी, एक आज हमें बुला रहे हैं मीटिंग के लिए, हमारी यही डिमांड है कि आप प्रॉपर तरीके से हमारे बच्चों को लगाओ, ना कि सिर्फ जुमलेबाजी ना करो। अगर नहीं लगा तो पक्की बात है हम इससे बड़ा कोई मार्च निकालेंगे, लेकिन हमारी एक बात पक्की होगी, हम जो भी निकालेंगे पीसफुली निकालेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कासदीगढ़ जिला, कासदीगढ़ से पंचायत लवर मुंधारे। क्या बताना चाहोगे आज फिर से आप सड़कों पे उतर आए? देखिए जी, हम फिर से सड़कों पे उतर आए, पिछली बार भी हमने प्रोटेस्ट किया था सर, इसलिए हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे भी बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करके हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, तो कम से कम उनको भी लगाया जाए। लिहाजा अगर ऐसा ना हुआ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब ने पिछली बार भी बोला था कि हम इसमें कोई सोच विचार करेंगे, अभी तक कोई सोच विचार नहीं हुआ, आज भी मीटिंग, अगर रोज़ाना ये मीटिंगें होती रही जाएंगी तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहूँगा
कि ऐसा ना हो कल को पूरे इलाके के लोग टूट पड़ेंगे, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी लोगों को भी अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि अगर इसका कोई मसला हल किया तो ठीक, नहीं तो पूरे लोगों को हमारी तरफ से अपील है कि वो पूरे रोडों पर उतर आएँ और इसका मसला हल हो जाए। क्या उम्मीद रखी थी जब यहाँ पर कंपनी आई थी, जब नेशनल हाईवे का काम लगा था, क्या सोचा था? हमने यही सोचा था कि शुक्र है अल्लाह का, कहीं हमारा भी कोई रोज़गार ना खुल जाए। तो उधर रोज़गार खुलने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बाहर से लाए और हम अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करते करते हमें कुछ अरसा हो गया, इधर कोई अभी तक उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। कंपनी से कोई डायरेक्ट बात आपकी नहीं हुई? हमारी कंपनी से डायरेक्ट बात नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हम उनके साथ बाई फेस बात करेंगे, कोई मीटिंग बैठाएंगे और उसमें हम उनके साथ बात करेंगे। आपके जो है इस डिस्ट्रिक्ट के लोग भी जो हैं उनमें भी कुछ 30% जो है 40% अकोटा आपको भी दे देंगे, वो भी लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं, कास्तीगढ़, प्रेम नगर, अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं और काफ़ी सारे युवा जो है आज फिर से सड़कों पे उतर आए हैं। जिस तरह से दो दिन पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से DDC जो है मरम्मत की, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हम उनके साथ बाई फेस बात करेंगे, कोई मीटिंग बैठाएंगे और उसमें हम उनके साथ बात करेंगे। आपके जो है इस डिस्ट्रिक्ट के लोग भी जो हैं उनमें भी कुछ 30% जो है 40% अकोटा आपको भी दे देंगे, वो भी लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं, कास्तीगढ़, प्रेम नगर, अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं और काफ़ी सारे युवा जो है आज फिर से सड़कों पे उतर आए हैं। जिस तरह से दो दिन पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से DDC जो है मरम्मत के वो भी आए थे इसी पूरे मामले को लेके कि जो हाईवे का काम लगा है वहाँ पे युवा को जो है एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, BTech करके MTech करके इन बच्चों को वहाँ एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, बाहर से लोगों को लाके वहाँ एडजस्ट किया जा रहा है। अब फिर से आज डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इनको बुलाया है, अब देखना ये होगा कि किस तरह का डिसीजन लेते हैं। आप देखते रहे गुलिस्तान, वसीम गत्तू, डोडा।